कॉकटेल O.J.J. जी हाँ, ये एक मस्त कॉकटेल है गर्मियों की मौसम के लिए। अभी बहुत कड़ाके का गर्मी पड़ चुका है, हम लोग ऑलरेडी AC स्टार्ट कर चुका है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कॉम्बिनेशन और ऐसा कॉकटेल आपको बना के दिखाऊं जो बहुत इजी है, घर में जो सामान मिलता है उससे आप बना पाएंगे और एट द सेम टाइम बहुत सस्ता प्रोडक्ट यानी रम से, ओल्ड मॉन्क रम से बनाएंगे। तो आज का कॉकटेल जो है उसका नाम है O.J.J. क्यों रखा? सिंपल है, ओ से ओल्ड मॉन्क, जे से जलजीरा और जे से जगरी। जी हाँ, गुड़, ये तीनों का कॉम्बिनेशन से ये कॉकटेल बनेगा। तो पहले बनाते हैं ये मस्त कॉकटेल को, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ग्लास ले लीजिए जो टॉल ग्लास हो, देखने में अच्छा लगे, क्लियर ग्लास हो, तो मैंने एक ग्लास चुन लिया और इसमें हम लोग पोर करेंगे पहले ओल्ड मॉन्क रम, और ओल्ड मॉन्क रम हम लोग पोर करेंगे 60 ml। ओल्ड मॉन्क डालने के बाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं जलजीरा, ये रहा जलजीरा, सिंपल हाफ टी स्पून, याद रखिएगा सिर्फ हाफ टी स्पून आपको डालना है, ये जलजीरा मैंने डाल दी, ठीक है। और अभी हम लोग ऐड करेंगे जैगरी सिरप। जैगरी क्या है आप लोगों को तो मालूम है, जैगरी गुड़ है, और इसको बनाने के लिए आपको गुड़ लेना पड़ेगा और थोड़ा पानी लेना पड़ेगा और उसको भिगो के रख दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये लिक्विड बन जाएगा, और ये लिक्विड हम लोग यूज करेंगे 30 ml। अब इस कॉकटेल को बैलेंस करने के लिए आपको 20 ml लाइम जूस भी देना पड़ेगा, तो मैं 20 ml लाइम जूस दूंगा, और ये मैं ऑलरेडी स्क्वीज करके रखा था तो मैं 20 ml डाल दूंगा। अब इसके बाद हम लोग देंगे आइस, फुल आइस, और थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा और आइस देंगे। अब सोडा से हम लोग इसको टॉप अप कर देंगे, कॉकटेल कंप्लीटली तैयार है। और गार्निश के तौर पे हम यूज करेंगे एक लाइम और लेमन स्लाइस। तो ये आपका कॉकटेल बन गया और इस कॉकटेल का नाम है O.J.J. अच्छा लगा ना? ये बहुत आसान भी है क्योंकि घर में ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएगा, टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा लगा। मस्त लग रहा है, मस्त, बहुत ही बेस्ट एक कॉकटेल है, और ये समर सीजन के लिए तो अल्टीमेट है क्योंकि आपका जो खट्टानेस है जलजीरा का साथ में ओल्ड मॉन्क का जो स्ट्रॉन्गनेस है सब मिला के एकदम बेहतरीन कॉन्कॉक्शन। बनाइए घर में और मुझे लिखिए कि आपको कैसा लगा। अगर सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। साथ साथ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फ्रेंड्स घर में रहिए और जितना टाइम हो सके फैमिली के साथ बिताइए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि कोरोना वायरस को रोकने के लिए सिर्फ यही एक उपाय है जहाँ से हम सब बच सकते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर, टाटा।